यश चोपड़ा की लव स्टोरी से हमने सीखा कि जोड़ियां दूर कहीं आसमानों में बनती हैं, और ये सच हुआ हमारे आज के दूल्हा और दुल्हन के लिए। यूं तो हमारी ब्राइड का ज्यादातर वक्त सितारों के बीच गुजरता है, लेकिन आज वह जमीन पर उतरकर शुरू करेंगी बैंड बाजा ब्राइड का सुहाना सफर। थैंक्स टू द वंडरफुल राइड बाय ब्लेड इंडिया, हम मिलेंगे उन्हें इन हर कंफर्ट जोन, खुले आसमान में बादलों की सवारी करते हुए। अ पायलट इन द मेकिंग, अ ब्राइड इन द मेकिंग, मिलिए शीलू इकबाल से। हाय, मेरा नाम शीलू इकबाल है, मैं 28 साल की हूँ और मैं एक बहुत क्लोज निट मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम पटना के रहने वाले हैं और अभी कुछ सालों से मेरी फैमिली दिल्ली में रह रही है। काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन था घर पे, मेरे पापा अल्जाइमर्स डिजीज़ के पेशेंट हैं, तो मेरे दो छोटे भाई हैं जिनको मुझे सपोर्ट करना था, मेरी फैमिली है जिसको मुझे सपोर्ट करना था क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ फैमिली में। तो आई जस्ट डिड नॉट वॉन्ट टू वेट, आई जस्ट स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज। मैं पिछले 8 साल से कैबिन क्रू की नौकरी कर रही थी और अभी मैं फ्लोरिडा से अपनी कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग करके वापस आई हूँ। US में जब मैं फ्लाइंग करने के लिए गई तो वो जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी बट बहुत चैलेंजिंग भी थी। बहुत पैसे लगते हैं इस कोर्स को करने में, तो मैंने अपने आप को अपना पर्सनल एक्सपेंसेस सपोर्ट करने के लिए मैंने वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब किया एक जापनीज रेस्टोरेंट में एज अ वेट्रेस। और काफ़ी मुश्किल था क्योंकि हमेशा जब लड़की होती है तो आई थिंक लोग काफ़ी जज करते हैं उसको। यू नो, देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स आई ब्रोक डाउन एंड आई थॉट आई वोंट बी एबल टू डू इट बिकॉज देयर आर 100 पीपल जजिंग मी। But every day in the morning, I used to remind myself that I've come here so far and I can do it. And finally, I made it. I never felt that I'm a victim because I am a fighter. And even like as a daughter, I feel that, you know, my father is suffering from Alzheimer's. That's okay. A lot of people don't have their father. At least मैंने कुछ किया उनके लिए, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे पापा हैं। I don't want to talk about my father. I was the only person whom he used to remember, but once I moved out, he forgot me completely. और उनको अगर पता होता भी समझ आता कि मैं पायलट बन गई, तो बहुत खुश होते हो। दाद देते हैं हम शीलू इकबाल की हिम्मत की। इतनी कम उम्र में जिस लड़की ने पाई पाई जुटाकर अपने पापा के अल्जाइमर्स का इलाज और अपनी पायलट ट्रेनिंग पूरी करनी चाहिए, उस लड़की का ऊपर वाले ने भी खूब साथ दिया, क्योंकि जिस दूल्हे से उनकी शादी होने जा रही है वह और उनका परिवार शीलू के सपनों को तहे दिल से सपोर्ट करते हैं, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। द को पायलट ऑफ हर लाइफ, विवेक पहरवानी। दिस साउंड्स ब्यूटिफुल। आफ्टर ऑल, लव इज लव इज लव, एंड वी ऑन बैंड बाजा ब्राइड आर ऑल अबाउट बीइंग प्रोग्रेसिव। बट टेल मी, व्हाई डिड यू वांट टू बी अ बैंड बाजा ब्राइड? So that is another story to it. I was very, very passionate about being a pilot. So all the life saving that I had put in together to become a pilot, to be in this uniform today. So the wedding is all financed by my in-laws, and I did not want to compromise on my wedding look, and I could only find Band Baja Bride for my rescue. And here I am today. Shilu, don't worry. We are right by your side. You fly high while we will take ground control. But to begin this journey, you need to meet the boss man, Mr. Sabyasachi Mukherjee, who is currently extremely busy shooting his next campaign in Hyderabad. And that's where you are going to meet him. Thank you, Ambika, and I'm really, really looking forward to it. The Taj Falaknuma Palace.
हैदराबाद शहर से 2000 फीट की ऊंचाई पर खड़ा एक आलीशान महल। ये आइकॉनिक लैंडमार्क अपनी खूबसूरती और ग्रैंडियर के लिए मशहूर है और आज ये पैलेस हमारी ब्राइड शीलू का शाही स्वागत करने की तैयारी में है। यहां बिताया हर लम्हा शीलू के लिए एक नया और यादगार अनुभव बनकर रहेगा। ये फॉर्मर फ्लाइट अटेंडेंट और प्रेजेंट डे पायलट यहां खास सब्यसाची से मिलने आई हैं, व्हाइल ही शूट्स फॉर हिज स्प्रिंग समर कलेक्शन कैंपेन। सर, इवन मोर क्लोजर। Very surprised. He was really, really busy between that shoot because there was so much of hassle, so many models, so many pretty faces, and I was really starstruck. Hey, hello. Hi. How are you? I'm fine. Welcome to Man Bajar Bride. Come, stand behind me. We are doing a shoot. That's a new bridal shoot that we're doing for the new spring summer campaign. That looks beautiful. Patna, but right now I'm based out of Bombay. Bombay? Yeah. So you're the girl who's working in the airline industry? Yeah. You fly or you are an air hostess? I was flying as an air hostess, so now I became a pilot. You've become a pilot? Yeah. I am so amazed at this. Thank you. Then suddenly, I saw one of the models wearing Deepika Padukone lehenga, which was my dream lehenga, and I was very, very, very excited to see that. I can't wait to get married now. Sabisa. Yeah. Can I speak to you for a second? Yeah. Sure, I can do. Sir, this is Deepika's lehenga, and I had mentioned in my form that I really, really love that lehenga. So is it possible that I can wear that? No, it's not possible. When is your wedding? 23rd. 23rd. Do you know how long it takes to make a lehenga? Please. I was just joking. Of course you'll get it. Come. Can I do it? सब्यसाची के कोलकाता कारखाने में हर दिन खूबसूरती की परिभाषा कभी बदलती है तो कभी रीइन्वेंट होती है। हर कारीगरी, हर डिटेल के पीछे एक साइंस है, एक इमोशन है ऑफ अ विजनरी लीडर एंड हिज हार्ड वर्किंग टीम। तभी तो बड़े बड़े सितारे इन्हें अपने स्पेशल दिन के लिए चुनते हैं। With a heartfelt blessing in the form of सदा सौभाग्यवती भव, written on her dupatta, Deepika Padukone's bridal lehenga is nothing short of legendary. और हमारी ब्राइड के लिए ये आइकॉनिक लुक तैयार की जा चुकी है। शीलू लाल जोड़े को पहनकर अपनी जिंदगी में एक नए कल्चर का स्वागत करेंगी। शीलू इकबाल ने अपने सभी सपने अपने बल बूते पर पूरे किए हैं और आज हमें नाज है कि उनका एक सपना हम पूरा करने जा रहे हैं। सब्यसाची के काला घोड़ा स्टोर में आज शीलू करेंगी अपने लहंगे का ट्रायल। वैसा ही लहंगा
जैसे दीपिका पादुकोण ने अपनी शादी पे पहना था, वही लहंगा जो शीलू तहे दिल से पहनना चाहती है। I wore my lehenga and when I came out, I actually felt like a maharani. Everything was so beautiful and I felt so grand. Lehenga to khoob jach raha hai, par ab bari hai look ko pura karne ki with the gorgeous bridal jewelry, jise khas Kolkata se banwa kar yahan laya gaya hai. Ek yaadgar jode ke liye bane kuch behad khoobsurat pieces. So this is the set that Deepika Padukone wore for her wedding and it has been recreated just for you. I can see my dream turning into reality. No less than royalty. Oh my God, Ambika, I feel like one. This is so good, right? I feel like crying. I could never think of becoming such a beautiful bride. Shilu on Band Baja Bride, we ensure that no bride has to ever compromise on her dream. And on the day of the wedding, with the perfect makeup and your Sada Subhagyavati Orni, you will complete Sabyasachi's vision of Bollywood glamour. I am so excited for it. Absolutely splendid. Thank you, Ambika. Here is another token of love just for you, handcrafted by Sabyasachi. Dear Shilu, success comes to those who dream big and work tirelessly to achieve it. As you get married today, my heart swells with pride. Just look at you. From air hostess to a pilot, you have achieved it all. And you've done it single-handedly. You are a Band Baja bride. Beautiful, responsible, and driven. For your wedding day, I want to gift you the Sabyasachi Mangal Sutra. I hope it represents all the values that you stand for, and much more. Wishing you a very happy married life. Yours, Sabyasachi.